नमस्कार। एक साथी ने पूछा है कि कोई एग्रीमेंट किसी से कर लिया है तो उस एग्रीमेंट को कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है, कृपया इस बारे में बताएं। तो एग्रीमेंट के संबंध में यह नियम है कि कोई भी एग्रीमेंट है वह तभी वैलिड होता है जब जिस संपत्ति के संबंध में कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसके लिए कोई एक कीमत तय की जाती है और उसमें से कुछ जो कीमत में से राशि अदा कर दी जाती है और कुछ उसमें बकाया रखी जाती है। इसके साथ ही हर एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशंस या शर्तें बनाई जाती है कि कौन कौन सी शर्त होने या ना होने पर क्या क्या किया जाएगा। तो ये बातें होना एक एग्रीमेंट के लिए जरूरी है। इनके अभाव में कोई भी एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा या वो कैंसिल करने योग्य माना जाएगा। तो ये तो बात हमने जान ली कि एग्रीमेंट की शर्तें क्या होती है। अब जो मेन पर्सन है वह यह है कि कोई भी पक्षकार हो सकता है, बेचने वाला या खरीदने वाला। यदि एग्रीमेंट कर ले और बाद में कोई एक पक्ष उस एग्रीमेंट को पूरा ना करना चाहे या उसे कैंसिल करना चाहे तो क्या करे। तो इसमें जरूरी है कि एक एग्रीमेंट जब लिख दिया जाता है और जब उस पर दोनों पक्षों के, खरीदार के और बेचने वाले के हस्ताक्षर हो जाते हैं और गवाहों द्वारा उसे सत्यापित कर दिया जाता है या गवाहों के उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं और जब कोई एग्रीमेंट में लिखी गई जो कीमत है उसका कुछ हिस्सा प्राप्त कर लिया जाता है तो उस एग्रीमेंट को दोनों पक्षों की सहमति के बिना कैंसिल नहीं करा जा सकता। तो मेन बात समझने की है कि जब दोनों पक्ष यदि किसी एग्रीमेंट को कैंसिल करने के पक्ष में है तो उसे आसानी से कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई एक पक्ष एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहे तो उसके लिए जरूरी यह है कि जो एग्रीमेंट में शर्तें लिखी गई है उसका उल्लंघन होना जरूरी है या उनमें से किसी शर्त का किसी एक पक्षकार द्वारा पूरा नहीं करना इसमें जरूरी है, तभी एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है। तो जब कोई पक्षकार यदि अपनी किसी शर्त को जो एग्रीमेंट में लिखी गई है जिस पर दोनों पार्टियां सहमत हुई है उन्हें पूरी नहीं करती है तो एग्रीमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। अब इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें जो भी पक्षकार जिसे लगता है कि एग्रीमेंट की कोई शर्त पूरी नहीं की गई है और वह एग्रीमेंट को पूरा नहीं करना चाहता या उसको उस एग्रीमेंट के ब्याप पर आगे कोई खरीद फरोख्त नहीं करना चाहता तो वह अपने वकील के माध्यम से उस एग्रीमेंट को कैंसिल करने का नोटिस दूसरी पार्टी को दे और उसमें साथ ही जो उससे पैसा ले लिया है यदि प्रॉपर्टी का मालिक है तो वह पैसा भी उसको लौटा दे। तो ये तरीका है एग्रीमेंट को कैंसिल करने का। इसके बाद वह उस प्रॉपर्टी को अपने पास यदि मालिक है तो रख सकता है और दूसरे के साथ भी वह उसका एग्रीमेंट कर सकता है या बेच सकता है। तो ये तरीका था जो हमने बताया किस प्रकार से एग्रीमेंट को और किस कंडीशन में कैंसिल किया जा सकता है। मैं हूं राजेंद्र सिंह। ये वीडियो आप लोगों को मैं समझता हूं जरूर अच्छी लगी होगी और काम की वह जानकारी भी जरूर सीख रही होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे वह जानकारों तक वह अपने मिलने वालों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे। इस वीडियो को इसी जानकारी के साथ समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, देखते रहें। कोई पर्सन है तो उसका
कमेंट्स के माध्यम से पूछें, जरूर उसका जवाब दिया जाएगा, या कोई वीडियो के माध्यम से आपकी बात जरूर इस प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।